डॉन दाऊद के गुर्गे दानिश चकना की कोर्ट में पेशी, ये बड़ी खबर। कोटा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच दानिश को कोर्ट में पेश किया है और इसके साथ ही कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर दानिश को भेज दिया है। मुंबई एनसीबी और कोटा पुलिस दानिश से पूछताछ करेगी। ड्रग के काले कारोबार का बड़ा नाम है दानिश चकना। गिरफ्तारी कल हुई थी, आज कोर्ट में पेशी की गई है। एनसीबी की टीम भी आज कोटा पहुंची है। तो डॉन दाऊद के गुर्गे दानिश चकना की आज कोर्ट में पेशी की गई, जिसमें कोटा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच दानिश को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं मुंबई एनसीबी और कोटा पुलिस इससे पूछताछ करेगी। ड्रग के काले कारोबार का बड़ा नाम है दानिश चकना, जो कोटा से गिरफ्तार हुआ। के जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। के कोर्ट में क्या कुछ आज हुआ इस पूरे मामले में और किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर इस दानिश चकना से जो पूछताछ है अब की जाएगी? सुमित, देखिए बिल्कुल, जब कल अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को, दानिश चकना को कोटा में गिरफ्तार किया गया, तो आज कोटा कोर्ट के सामने आरोपी को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर उसको भेजा है। पुलिस जो है पूरी पूछताछ जुटी हुई है दानिश चकने से कि ये किस किसके संपर्क में था, कोटा किस तरीके से पहुंचा, तो किसके पास में बड़ा मात्रा में चरस भी बरामद हुई थी। तो ऐसे में ये और मुंबई के अंदर नशीले जो पदार्थों का जो कारोबार है उसके अंदर बड़ा नाम बताया जाता दानिश चकना। ऐसे में पुलिस अब इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि कोटा में किसने इसको शरण दी, इसके अलावा राजस्थान में कहां कहां पर गया, कहां कहां पर इसे स्टे किया, क्योंकि मुंबई से कई डोंगरी इलाके से ये फरार हुआ था और उस दौरान फरार हुआ था जब एनसीबी की टीम ने इसके ड्रग हाउस पर, जहां पर फैक्ट्री चलाता था, वहां पर छापा मारा था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। एनसीबी की टीम भी कोटा पहुंच चुकी है, वो भी इस आरोपी से पूछताछ करेगी, जिसके बाद आगे के कुछ और खुलासे यहां पर होने की संभावना है। कोटा में एक साथी का और था जिसके साथ ही रह रहा था, साथ ही उसकी गाड़ी भी यूज की थी, तो उस व्यक्ति की भी अब गिरफ्तारी होनी है, उसकी भी जांच पर पुलिस जुटी है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल तो तमाम पहलू पर की जा रही है सुमित, तो हर मसले को लेकर इससे पूछताछ जो है वो की जाएगी। एनसीबी की टीम और जो पुलिस की टीम है वो इससे पूछताछ यहां पर करेगी। दानिश कुछ और नाम क्या जुड़ सकते हैं और दानिश को क्या यही रखा जाएगा अभी, या एनसीबी की टीम जो है वो कई और ले जाकर इसके ठिकानों पर लेकर ले जाकर भी पूछताछ जो है वो कर सकती है? देखिए सुमित, चूंकि ये जो अरेस्ट हुआ है ये कोटा में अरेस्ट हुआ है, कोटा के अनपुरा थाना पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। ऐसे में जो पहला राइट है पूछताछ करने का वो कोटा पुलिस का है। कोटा पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद इसे वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से संभवतः इसे जेसी भेजने के आदेश जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो कोर्ट से की जाएगी पुलिस के द्वारा। उसके पश्चात ही जो मुंबई पुलिस है और एनसीबी की टीम है वो उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले पाएगी। ऐसे में पहली पूछताछ जो है वो कोटा पुलिस को द्वारा की जाएगी। यानी जो पहली पूछताछ आज है वो कोटा पुलिस ही करेगी इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से गिरफ्तार करने में कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी, कल ये गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि एनसीबी की टीम भी जो है वो भी पहुंची है और पूछताछ अब दानिश चकना से होगी और रिमांड पर कोर्ट की तरफ से दानिश चकना को भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया के इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बड़ी खबर